आप लोग को आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 बताया जा रहा है। पिछले क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया गया होगा और उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लिए होंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। अच्छा से समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा कमेंट में भी और व्हाट्सएप पर मैसेज करके। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट या सच डेट 1, 3, 4 टेंस टू 1, 2, 5 एंड जी सच डेट 1, 2, 5 टेंस टू 1, 3 और एफ बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 4, 1 और जी बराबर भी दिया हुआ है 1, 3, 2, 3, 5, 1। राइट जी नोट एफ, आपको जी नोट एफ बताना है। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर फॉर्मूला, मतलब जी नोट एफ ऑफ एक्स बराबर फॉर्मूला बताए होंगे जी ऑफ एफ एक्स। थोड़ा सा इधर देखिए, एफ बराबर 1, 2 मतलब एफ 1 बराबर 2, एफ 3 बराबर 5, एफ 4 बराबर 1, उसके बाद जी 1 बराबर 3, जी 2 बराबर 3, जी 5 बराबर 1। तो जी नोट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जी एफ 1 का वैल्यू 2 और जी 2 का वैल्यू हो गया है 3, जी 2 का वैल्यू 3। देखिए एफ 1 बराबर 2, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ 1 और एफ 1 का वैल्यू 2 और यहाँ पर देखिए 2 रख दिए तो जी 2 और जी 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3। उसके बाद निकालेंगे जी एफ एक्स का वैल्यू 3 और एफ 3 का वैल्यू आ गया है 5 और जी 5 का वैल्यू 1, जी एफ उसके बाद 4 रखेंगे एक्स का वैल्यू तो एफ 4 का वैल्यू आ गया है 1 और जी 1 बराबर 3 तो जी नोट एफ ऑफ एक्स निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डेट या प्रूव डेट या प्लस जी नोट एच बराबर या नोट एच प्लस जी नोट एच प्रूव करना। तो एल एच से चलेंगे, या प्लस जी नोट एच, इसको लिख सकते हैं एफ प्लस जी और इसको नोट नोट एच को एच एक्स और ई एच एक्स से मल्टीप्लाई एफ में करेंगे तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ नोट एच और इसको हम लोग लिख सकते हैं जी नोट एच। फिर से देखिए एक बार बताया जा रहा है, एफ 1 बराबर 2, एफ 3 बराबर 5, एफ 4 बराबर 1, जी 1 बराबर 3, जी 2 बराबर 3, जी 5 बराबर 1।
तो g dot f of x बराबर g of f x फॉर्मूला होता है, तो g x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 और f1 का वैल्यू आ गया है 2, तो g2, अब g2 का वैल्यू फाइंड करना है और g2 का वैल्यू दिया हुआ है 3। उसके बाद f g f और x के स्थान पर रखेंगे 3, तो f3 और f3 का वैल्यू 5 और g5 का वैल्यू 1, g f4 और f4 का वैल्यू 1 और g1 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड f नॉट g एंड g नॉट f इफ, पहला fx बराबर दिया हुआ है mod x, gx बराबर दिया हुआ है 5x minus 2 का mod, तो सबसे पहले निकालना है सॉल्यूशन, देखिए कर रहे f नॉट g ऑफ x बराबर f ऑफ gx, fx बराबर mod x, f ऑफ gx निकालना है, मतलब x के स्थान पे gx रख लेता है, तो gx का mod और gx बराबर दिया हुआ है 5x minus 2 का mod का overall mod बराबर f, यहाँ पर डबल मोड रहता है तो एक ही मोड लिखा जाता है। एनसीईआरटी में इसका कंडीशन मात्र इतने ही है, लेकिन आप लोग को जब क्लास में आदि शर्मा बताया जाएगा तो इसका प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी सिखाया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, केवल बोर्ड लेवल ही है और बोर्ड लेवल में इतना काम चल जाएगा आप लोग। उसके बाद देखिए g नोट f निकालना है, g ऑफ f x और g ऑफ f x g x बराबर 5x माइनस 2 का मॉड, तो यहां पर देखिए और x के स्थान पर रखेंगे f x g x में, तो 5 f x माइनस 2 का मॉड 5, fx का वैल्यू जानते हैं mod x माइनस 2 का mod, और mod को निकालने के लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3, प्रूव दैट f नॉट f ऑफ x बराबर x, देन व्हाट इज इनवर्स। What is inverse of f? तो inverse निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया होगा, inverse उसी function का निकाला जाता है जो bijective हो, मतलब 1-1 on 2 function। सबसे पहले हमें prove करना है f not f of x बराबर x। Solution: f not f of x, f of fx, fx बराबर 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4, तो यहां देखिए fx x के स्थान पर रखेंगे fx 4fx प्लस 3 डिवाइड बाय 6fx माइनस 4, 4fx का वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3/1, दिस 6 fx का वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4
माइनस फोर बाई वन एलसीएम ले रहे हैं, सिक्स एक्स माइनस फोर, फोर इंटू फोर एक्स प्लस थ्री, प्लस थ्री इंटू सिक्स एक्स माइनस फोर, फिर एलसीएम लेके ले रहे हैं सिक्स एक्स माइनस फोर, सिक्स इंटू फोर एक्स प्लस थ्री माइनस फोर, सिक्स एक्स माइनस फोर, ये दोनों कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर एक्स प्लस एटीन माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्सटीन, ये देखिए इससे कट जाएगा, ये इससे, ये दोनों को ऐड करेंगे फोर्टी वन एक्स, ये दोनों को ऐड करेंगे फोर्टी वन कट जाएगा बराबर एक्स, प्रूफ हो गया आरएचएस। उसके बाद कह रहा है देन व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ, मतलब एफ का इनवर्स फाइंड करना, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोग को बताया गया होगा लेट एफ एक्स बराबर बाई मानी, तो एक्स बराबर हो जाता है एफ इनवर्स बाई फर्स्ट इक्वेशन, एफ एक्स बराबर फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई सिक्स एक्स माइनस फोर, एफ एक्स का वैल्यू और एफ एक्स का वैल्यू जानते हैं फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई सिक्स एक्स माइनस फोर बराबर बाई, इधर दिखाई दे रहा है अनुपम, ये साइड दिखाई दे रहा है, इसे इसको मिटा सकते हैं ना, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाई है, फोर एक्स प्लस थ्री बराबर बाई इंटू सिक्स एक्स माइनस फोर, फोर एक्स प्लस थ्री सिक्स एक्स बाई माइनस फोर बाई, थ्री प्लस फोर बाई बराबर सिक्स एक्स बाई माइनस फोर एक्स, थ्री प्लस फोर बाई एक्स कॉमन तो सिक्स बाई माइनस फोर, और एक्स बराबर आ गया है थ्री प्लस फोर बाई बटा सिक्स बाई माइनस फोर। अब इक्वेशन फर्स्ट एफ इनवर्स बाई बराबर एक्स, एफ इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू जानते हैं थ्री प्लस फोर बाई बटा सिक्स बाई माइनस फोर। अब रिप्लेस भी कर सकते हैं एक्स बाई के स्थान पर एक्स, थ्री प्लस फोर एक्स सिक्स एक्स माइनस फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव कर आपको चेक करना है कौन सा इनवर्स फंक्शन है, जो इनवर्स फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड करें। पहला एफ सच डेट वन टू थ्री फोर टेंस टू टेन, और इसका दिया हुआ एफ बराबर वन टेन टू टेन थ्री टेन फोर टेन। सबसे पहले इसको इनवर्स चेक करने के लिए बाई एरो डायग्राम, ये देखिए ए और ये बी, ए का एलिमेंट वन टू थ्री फोर, उसके बाद टेन, वन का रिलेशन टेन के साथ में, टू का रिलेशन टेन के साथ में, थ्री का रिलेशन टेन के साथ में, फोर का रिलेशन टेन के साथ में, जबकि ये फंक्शन वन ऑन टू नहीं है, ये मेनी वन है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, जिसके कारण इनवर्स इसका निकालना संभव नहीं, मेनी वन फंक्शन
इसको मिनी वन ऑन टू भी कर सकते हैं। इसी का देखिए दूसरा जी सच डेट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 जी 5 4 6 3 7 4 8 2 इसको चेक करेंगे कि यह इनवर्सिबल फंक्शन है कि नहीं। ये देखिए जी है, ये ए और ये बी 5 6 7 8 1 2 3 4 5 का रिलेशन 4 के साथ में, 6 का रिलेशन 3 के साथ में, 7 का रिलेशन 4 के साथ में, 8 का रिलेशन 2 के साथ में। ये मिनी वन फंक्शन है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट यस सच दैट -1 10 -1 2 1 क्लोज ब्रैकेट टेंस टू आर fx बराबर x by x plus 2 is 1 1। आपको प्रूव करना है 1 1। उसके बाद फाइंड द इनवर्स of the function f such that -1 to 1 tends to range। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा है 1 1 चेक करो, तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 4 1 1 के लिए फंक्शन के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू बिलोंग करेगा -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट एक्स वन बटा एक्स प्लस टू एक्स वन प्लस टू और एक्स टू बटा एक्स टू प्लस टू। और चेक भी कर लेंगे कि -1 से +1 ये डोमेन है और यह डोमेन को रखें x के स्थान पर तो एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। केवल x प्लस टू डज नॉट इक्वल टू 0 जहाँ x डज नॉट इक्वल टू -2 और x बराबर अगर -2 रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो -1 और +1 के बीच में जो भी वैल्यू रखिएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसके पिछले क्लास में बारे में बताए होंगे, 11th क्लास में भी आप लोग को बताए होंगे कि रेशनल फंक्शन के बारे में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना रेशनल फंक्शन कहलाता है जहां पी डज नॉट इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस टू एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स टू ये दोनों कट जाएगा 2x1 बराबर 2x2 2 2 कटा तो x1 बराबर x2 आ गया। अब देखिए इसका इनवर्स निकालेंगे। लेट एफ एक्स बराबर बाई तो एक्स बराबर एफ इनवर्स बाई एफ इनवर्स बाई और देखिए एफ एक्स बराबर एक्स बाई एक्स प्लस टू बराबर बाई तो एक्स बराबर बाई इंटू एक्स प्लस टू तो एक्स बराबर बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस बाई एक्स बराबर टू बाई एक्स कॉमन 1 - y = 2y तो x बराबर 2y बटा 1 - y 1 - y डज नॉट इक्वल टू 0 1 डज नॉट इक्वल टू y मतलब y बिलोंग करेगा रियल नंबर में केवल 1 नहीं होगा। और क्वेश्चन में कहा था फंक्शन का इनवर्स उस समय निकालना है
जिस समय रेंज ऑफ एफ मतलब जहां कोडोमेन है वहां रेंज ऑफ एफ होना चाहिए। तो यहां पर देखिए निकाला जा रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं, एक्स बराबर एफ इनवर्स पाई और एक्स का वैल्यू एक्स बराबर टू बाई बटा वन माइनस बाई बराबर एफ इनवर्स बाई, अब बाई के स्थान पर एक्स रिप्लेस कर देंगे, टू एक्स बटा वन माइनस एक्स, ये देखिए इनवर्स निकल गया है। देखिए बाब वन से सिक्स तक बता दिया गया है, एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि आप लोग को पता है हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा ऑफलाइन में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत कम है, कम के बहुत ना ही के बराबर कहीं, कभी ऑफ ऑनलाइन कभी क्लास पढ़ाए नहीं, मजबूरी में आप लोग को पढ़ाना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो और अच्छा से बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा करिए या खराब कमेंट करिए, हमको सब अच्छा लगता है, जो खराब करते हैं उनको भी थैंक यू, जो अच्छा करते हैं उनको भी थैंक यू। तो कमेंट प्लस सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग का प्रोत्साहन मिलेगा तो हमें भी एनर्जी आएगा और अच्छा से अच्छा आप लोग को पढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर करें, अच्छा करें खराब करें लेकिन जरूर करें, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं।